ITC ने मुख्तलिफ वीडियोज़ बना के अपलोड की हुई हैं कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन को कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं ITC से। इस तरह यूज़र मैनुअल वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो आप लें। तो इस जब आप लिंक्स पे चले जाते हैं तो आपको जो भी आपके जहन में कोई रिसर्च के बारे में क्वेश्चन है वो वहाँ इधर से आपको एड्रेस हो सकते हैं फ्री ऑफ चार्जेस। यहाँ पे कोई चार्जेस भी नहीं है, ये टोटल दुनिया के फ्री वेबसाइट है पाकिस्तान के अंदर। देन मैंने लास्ट में एक ग्लोसरी भी डाल दी है कि जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड टर्म्स टर्मनोलॉजीज हैं उसके बारे में भी समझ आ सके। अच्छा, ये तो मैंने बुक के बारे में कॉन्टेक्ट्स के बारे में बता दिया। डॉक्टर साहब मुझे ये कह रहे थे कि थोड़ा सा ये भी कर दीजिएगा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सिंपल है या कैसे है, तो मैंने डॉक्टर साहब से ये अर्ज की बाकी ये भी शुरू है कि करना कैसे, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हम बाहर आसानी से भेज सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि दुनिया में मटी भी बिकती है, तो बेचने वाला कौन है, कहाँ पर बेच रहा है, वो किस तरीके से बेच रहा है, ये इम्पोर्टेंट बात है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, हम क्या एक्सपोर्ट करें। तो मैं कहता हूँ अगर आपको ये स्टैटिस्टिक्स चाहिए तो वो तो आप जो मैंने लिंक्स बॉक्स में दिए हैं वहाँ पे सारे स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगे। ITC से भी मिल जाएंगे, ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मिल जाएंगे, यानी बुक में सारे लिंक्स हैं जहाँ स्टैटिस्टिक्स हैं। लेकिन उस पर ना जाए कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट क्या क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या हो रही है, प्रोडक्ट्स कौन सी बड़ी है जो एक्सपोर्ट हो रही है, वो तो एक जाइंट्स बैठे हुए हैं, फैक्ट्री ओनर्स बैठे हुए हैं, आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप फैक्ट्री ओनर है तो ठीक है, सबसे आप वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप SME नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप SME पे फोकस करें। आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं तो आप जो फ्यूचर आपकी मार्केट है फ्रंट में वो भी SME पे फोकस करें, बड़े ब्रांड्स को आप एक्सपोर्ट ना करें, ठीक है। तो वो आप प्रोडक्ट ऐसी लेके आए, जैसे मैं जी साल्ट की एग्जाम्पल देता हूँ, तो साल्ट तो पाकिस्तान में वाफर है, अगर साल्ट बेचेंगे तो वो तो कोडियों पर बोल जाएगा। साल्ट की मुख्तलिफ आइटम्स प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और जब प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो जर्मनीज़ की बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, वही जो प्रोडक्ट आप सेंट्स में डॉलर के सेंट्स में बेचना चाहते हैं वो डॉलर और जोड़ में आप बेच सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारा प्रॉफिट ले सकते हैं। इसी तरह आप बुटीक में आ जाएँ या मुख्तलिफ आइटम्स ऐसी लें जो बड़े फैक्ट्री ओनर्स नहीं बना रहे बल्कि आपका अपना ब्रांड हो रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट दें। देखिए मैं बोलता हूँ आप जब भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं दो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली क्या है कि या तो आपकी प्रोडक्ट दूसरों से मुनफरद होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट में दूसरों से अजाफी कोई चीज़ें एडिशनल फीचर्स हों, या तब कस्टमर खरीदेगा, या फिर आपकी प्रोडक्ट दूसरों से सस्ती है। दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। अब उस हिसाब से आपको मार्केट डिफाइन करनी है कि अपने प्राइस कॉन्शियस मार्केट में जाना है या अपना क्वालिटी कॉन्शियस मार्केट में जाना है। तो वो डिटेल में तो अगर कोई मेरे से गाइडेंस लेगा तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ डॉक्टर साहब के तौर से कि अल्हम्दुलिल्लाह 116 लोगों की टीम के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्वर ऑब्जर्वर होते हुए, क्योंकि अल्लाह पाकिस्तान ने मुझे बड़ा नवाजा है और इससे पाकिस्तान ने मुझे पहचान दी है, तो मैं पाकिस्तान को सर्व करने का मेरा पूरे मैं मुहिम चलाई हुई है। तो 116 लोगों की टीम के साथ अगर किसी को कोई मशवरा चाहिए तो मेरे पूरी टीम में से कोई भी बंदा मशवरे के चार्जेस नहीं लेता, हम फ्री कंसल्टेंस देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब का ये क्वेश्चन था कि ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सिंपल है, तो मैं ये कहता चाहूँगा यस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस वेरी सिंपल बट नॉट इजी। वो कैसे, मैं आपको सादा सी एग्जाम्पल देता हूँ कि अपने मिसाल सुनी होगी एन एपल डे कीप्स द डॉक्टर अवे, डॉक्टर किसी को भी बताते होंगे कि रोज़ का एक सेब खाया जाए तो आप बीमार नहीं होते। क्या हम में से कितने लोग हैं जो रोज़ का एक सेब खाते हैं? हम डेली वॉक करें सुबह को तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, तो हम में से कितने लोग हैं जो वॉक करते हैं? यही एग्जाम्पल इधर है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड तमाम इदारों ने अपने रूल्स रेगुलेशन वजह कर दिए हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री है, इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है, एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वर्ल्ड लेवल डिफरेंट कंट्रीज के साथ, FTAs हैं, जिनको कुछ वो साथ में डिफाइंड है, नेट पे पड़े हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बल्कि अभी तो उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की है, चैप्टर 12 जो एक्सपोर्ट के बारे में, चैप्टर 13 बोर्ड के बारे में, उसको भी रिवाइज करके अपलोड कर दिए। वो सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं। ITC ने हेल्प कर दी, जो हमने सारी मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करनी है। देन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC ने जो रूल्स हैं वो सारे दे दिए हैं, वो मौजूद हैं। पाकिस्तान के तमाम इदारे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड हैं, जैसे 49 ट्रेड रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं पाकिस्तान की, तमाम ने अपने रूल्स बदल कर दिए हुए, SOP बने हुए, हर 10 ज़्यादा लगे हुए। अगर तो हम सबको फुलफिल करते हैं और उन रूल्स के मुताबिक काम करते हैं, फिर एक्सपोर्ट का बिजनेस वेरी सिंपल और बहुत ही आसान है। और अगर रूल्स और रेगुलेशन को वायलेशन कर देते हैं तो फिर ये बहुत मुश्किल है। और साथ साथ ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस भी एक्सपोर्ट ही है, तजारत है। हमारे नबी सिस्टम ने भी की 23 ईयर्स नबी तजारत में गुजरी। और मुझे मीडिया में अक्सर क्वेश्चन होता है अगर झूठ ना बोले तो बिजनेस की शर्त, मैं हालांकि इसके अगेंस्ट हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने झूठ बोला तो फिर आपका बिजनेस नहीं चलता। झूठ बोलेंगे तो आपको एक मरतबा किसी को धोखा दे लेंगे, लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं चलेंगे। तो अगर आपने बिजनेस करना है तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम तुगलकी हैं, हम मुसलमान हैं। अगर हम अपने इस्लाम पे अमल करें, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि दुनिया की एक ऐसी कौम है जिसने नेचुरल रिसोर्सेज कम होते हुए भी दुनिया में एक नाम कमाया क्वालिटी की वजह से। यानी डॉक्टर साहब मैं उनके क्वेश्चन भी करूँगा कि दुनिया को कैसा मुल्क है कि अगर वहाँ से प्रोडक्ट मंगवाते हैं क्वालिटी के हिसाब से, अगर एक हम चाइना के ले लें, एक पाकिस्तान के ले लें, एक जापान की है, तो अगर आपसे कहा जी इसमें से क्वालिटी प्रोडक्ट कौन सी है तो कौन सा कंट्री आपके दिन में आएगा? जापान ही आएगा। तो देखिए वो दुनिया की 3rd बेस्ट इकोनॉमी बन गया। उन्होंने असूल सिर्फ एक लिया, उन्होंने हमें धोखा नहीं देना। धोखा से क्या मराते कि जैसे ही प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये प्रोडक्ट है, वैसे ही प्रोडक्ट निकली है, उसमें चीटिंग नहीं है। अब यही बात अशफाक साहब ने कही, उन्होंने कही कभी किसी को धोखा ना दें। धोखा जो है ये माता नहीं है, इसको मौत नहीं है, इसको अपने मालक अपने ठिकाने से बड़ी मोहब्बत होती है जो घूमते अपने मालक के पास आ जाए। इसका मतलब है कि ये धोखे का पॉइंट जापान ने अपनाया, उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया। अपने अपनी 3rd वर्ल्ड दृष्टिकोण में भी पड़ गया, हालांकि फ्लोटिंग फैक्ट्री रॉ मटेरियल्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसने नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, तो इतनी उसने तरक्की कर ली। तो मैं बताऊँ, मुझे अपने दुख के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान जो है नेचुरल रिसोर्सेज में 6-7वें नंबर पर होने के बावजूद, यानी जापान के नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत आगे। हमारी जो एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट का जो हिस्सा है वो जस्ट 0.12% है। और उसकी जो मेजर वजह है वो यही है। जापान पे कितना है वो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, वो प्लस में जाकर चला जाता है। ठीक है, तो हम 0.12 हैं, यानी अगर हमारा जो होना चाहिए तो वो 6% 7वें नंबर पे है तो 6% हो जाए, 5% नहीं, 4% नहीं, 1% भी नहीं, यानी 0.1% है। ठीक है, तो अगर ये किस वजह से हुआ कि हमारे ही कुछ दोस्तों ने चीटिंग की, धोखा दिया, तो बैड डेट्स। तो अगर हम असूलों को अपनाएंगे तो फिर हम आगे निकलेंगे। और देखें, अगर जापान सिर्फ एक पॉइंट यानी धोखा नहीं दिया, उस पॉइंट पर से आगे निकल गया। और अशफाक साहब ने कुछ अर्सा पहले ये बात की, तो अगर हम गौर करें तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 1400 साल पहले भी कही थी। सिर्फ यही नहीं, ऐसे सैकड़ों प्रिंसिपल बताए हुए जिन पर अमल करके ना सिर्फ हमारी निजात तो नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ दुनिया में भी कामयाबी उसके बगैर मुमकिन ही नहीं। तो अगर हमने इम्पोर्ट में कामयाब होना है तो हम सच्चे मुसलमान बन जाए, बल्कि मोमन बन जाए, अगर हम कामयाबी कामयाब। और पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो मिलता हम बताता चलूँ। मेरी वर्ल्ड बैंक के नॉन इकोनॉमिस्ट है, तो उनसे मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कोविड ऑफ पाकिस्तान को स्टडी बना के दिए। उसके मुताबिक इस साल पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट हुई है वो $25 बिलियन हुई है, जो कि एवर हाई है। जब से पाकिस्तान बढ़ा है एवर हाई उसको करार दिया गया। तो वो जो गॉन्ज़ालो वरीला है जो स्टेट वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड नॉन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $88 बिलियन तक जा सकती है, यानी ये 3 हंड्रेड परसेंट बढ़ सकती है। माशाल्लाह। और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो स्टडी उनकी मैंने देखी ये बस प्रोवाइडर। जैसा ये एक प्राइवेट काम है तो क्या वजह है कि लोगों ने इस शोबे में ज़्यादा तगदो नहीं की, मेहनत नहीं की, ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं की। देखो एक तो गवर्नमेंट का होता है ना, तो गवर्नमेंट तो हम कहते हैं कि अच्छी नहीं है, लेकिन ये तो इसमें तो आवाम का फ़ायदा, तो इसकी क्या वजह है कि लोग क्यों नहीं इस तरफ जा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, यही तो अलमी है ना कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है और एक्सपोर्ट भी हो सकती थी, लोग कर नहीं पाए। सबसे बड़ी वजह थी लोग अवेयरनेस नहीं है, अच्छा अच्छा इलम नहीं है कि एक्सपोर्ट किया जाए तो कैसे शुरू की जाए, कहाँ से रजिस्ट्रेशन होनी है, कैसे रजिस्टर, और वहाँ से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, इवन के बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे बैठे हैं, कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो उनको खुद बिजनेस नहीं करते, सिर्फ ट्रेनर्स कंसल्टेंसी और फीस तो ले लेते हैं और खुद नॉलेज नहीं तो लोग दूसरों को क्या कंप्लीट कर देते हैं। तो बात यह है कि आप एक तो जो बिजनेस मैन है उसके पास जाएँ, उससे गाइडेंस लें। अच्छा, उसमें एक तो अवेयरनेस नहीं थी, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सबसे आम चीज़ आपको कस्टमर चाहिए होता है, कस्टमर मिलना सबसे बड़ा मुश्किल बात थी। अगर गूगल से ढूंढते हैं तो फिर तो आपको वो कस्टमर मिलते थे जो सैम्पल लेके बढ़ जाते हैं, जब आप शिपमेंट करें तो पेमेंट भी नहीं जाती। तो ये देखिए मैंने सोल्यूशन, इतना बड़ा सोल्यूशन पाकिस्तान की कौम को दे दिया है कि आप USA, कनाडा, यूरोप, यही बड़ी मार्केट है दुनिया की, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए आप कस्टमर्स को मैं आपको खुद दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी कोई भी प्रोडक्ट मेरे पास आए मैं आपकी प्रोडक्ट खुद सेल करवाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताऊँ कि लोगों फ्लॉप होने की वजह से ना दो बड़ी रीजन होती हैं जो मैंने रिसर्च की है। जैसे मैं पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग करवाता हूँ, देखता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, तो दो बड़ी वजह होती हैं। एक तो लोगों का पैशन नहीं होता, और दूसरा उस काम को सीखा नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब आप काम करते हैं दो पॉइंट्स आपको लेके चलने होते हैं, एक केयरफुल प्लानिंग करनी होती है और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। लोग प्लानिंग को यही समझ लेते हैं कि घर में बैठ कर ड्राइंग रूम में बैठ कर प्लानिंग करें, हमने ये थोड़ी है, प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग से मुराद आप फायदा उसकी रिसर्च की है और प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज़ रखी है, उसके बाद आपने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग होती है। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी ये है कि आपको एग्जैक्ट पता है, जैसे मैं बता दें कि लोग काम कर रहे हैं तो जब एलसी का पूछा है उसे डिफाइन कर नहीं पाते, इनको हम तो सही से डिफाइन नहीं कर पाते, बाउंड्रीज कहाँ पे है, रिस्क कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ओनरशिप कहाँ ट्रांसफर हो रही है, वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं बताऊँ मीडिया पे ना मेरी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, मैंने 3D फार्मूला दिया है एक्सपोर्ट का। 3D फार्मूला क्या है? पहला D है ड्राइव, ड्राइव ठीक है, यानी अगर आपने बिजनेस शुरू करना है थोड़ा, अच्छा ये फार्मूला जिंदगी की किसी भी फील्ड में अपने अच्छा कामयाबी में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में मैंने ये दिया, फोकस किया कि पहला डी है ड्राइव। ड्राइव के बारे में ये है कि कुरान पाक में पारा नंबर 27 सूरह नजम 53 सूरह में आयत नंबर 39 में शादी बरकल है वहाँ इंसान और ये कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने सही की। अब सही की मशाबत मैं देता हूँ हज़रत अम्मा हजरा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए वो सफ़ा मरवा के दरमियान 2 बूंद पानी के लिए तसरीह थी जो सही कर रही थी, वो जो जुनून था, वो जो जज्बा था, वो जज्बे की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो जज्बा आपको तब आएगा जब आप ने अपने मकसद हयात को डिफ़ाइन किया होगा। उसके लिए मैं थोड़ी सपोर्ट लूँगा। जैपनीज़ कॉन्सेप्ट है इकिगाई। क्या इकिगाई? जैपनीज़ कॉन्सेप्ट है। उसके मतलब क्या है कि आप वो काम करें जिसके साथ आप लव करते हैं, ठीक है। दूसरा, फिर उसको आप सीखें, सही तरीके से सीखें वहाँ से जो काम कर रहा है। जैसे मैं बिजनेस करूँ, बिजनेस खाली ट्रेडर से नहीं, ठीक है। तीसरा, आप वो काम करें जिसकी दुनिया को ज़रूरत भी है। चौथा, वो काम के लिए दुनिया को पे भी करें। तो ये 4 कॉन्सेप्ट है। अब इनके तहत जब आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर ही आप में ये ड्राइव आएगी, अदरवाइज ड्राइव आ नहीं सकती। आप ड्राइव के लिए कामयाबी मुमकिन ही नहीं। उस्ताद आपको डायरेक्शन देगा, आपका कोई ना कोई लाइफ कोच, कोई उस्ताद होना चाहिए। उस्ताद वो है जो परफेक्ट हो और जो इसकी बिजनेस में शामिल है और अच्छा बला इस बिजनेस को खुद कर भी रहा हो। अच्छा, तीसरा डी आ गया डिसिप्लिन। ब्रुसली से निकला हुआ स्टेटमेंट दी कि मुझे उस शख्स से ज़रा खौफ नहीं आता जो 10,000 तरह की टिक्के लगा लेता है। वो कहता है कि मुझे उस शख्स से डर लगता है, उस शख्स से खौफ आता है जो एक ही केक को 10,000 मरतबा ट्राई कर बैठे, यानी प्रैक्टिस, ठीक है। ममदनी बक्सर को आप जानते हैं, जब उसका कंपटीशन सोनी लिस्टन के साथ हुआ जिसमें $56 मिलियन का इनाम उसने जीता और वो कंपटीशन तो इसमें 1 मिनट में ख़त्म हो गया था। बिल्कुल सही, ठीक है। तो जब वो विन किया तो मीडिया ने उससे क्वेश्चन किया, ममदनी आपको कैसा लगा कि आपने एक ही मिनट में ये $56 मिलियन जीते? तो ममदनी ने कहा आप अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट करें। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि मैंने ये जो कंपटीशन जीता है 1 मिनट और 23 ईयर्स में जीता है, यानी इसके पीछे में 23 ईयर्स की मेहनत है। तो आपको लगन के साथ काम करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी, काम को सीखना है, फिर ही जाके आप कामयाब होते हैं। शॉर्टकट कामयाबी में कोई नहीं है, स्मार्ट कट्स हैं जो मैंने बुक में सारे दे दिए हैं, स्मार्ट कट्स के हैं, लेकिन शॉर्टकट जी ड्रेस अगर आप अपने सामीन को अपना ड्रेस वगैरह भी देखिए, किताब हर बंदे के जो दूर हैं देहातों में या दूर छोटे शहरों में वहाँ तो किताब अवेलेबल नहीं हो सकेगी आसानी के। जी जी बिल्कुल, उस तरह मैंने अगर आप अपना एड्रेस वगैरह टेलीफोन नंबर कोई चीज़ ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर दे दें तो लोगों को ज़रा आसानी हो जाएगी आपसे। बेहतर हो गया, एक पब्लिशर का नंबर नोट कर लीजिएगा, यही पब्लिशर को आप ऑर्डर देते हैं तो ये होम डिलीवरी देते हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान पूरी दुनिया में जहाँ से ऑर्डर आते हैं जहाँ चाहते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 0321 4256 497। मैं पिक करता हूँ 0321 4256 497। वकास साहब हैं, उनको ऑर्डर लिखवा देंगे तो होम डिलीवरी मिल जाती है। ये भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिलीवरी हुआ है। और ट्रेनिंग्स के हवाले में मैं ट्रेनिंग्स मुख्तु जगहों पर मेरी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री का इदारा है जो जहाँ से बुक पब्लिश होती है वहाँ मैं रेगुलर कोर्स करवाता हूँ। इस तरह मुख्तलिफ इदारों के जब ट्रेनिंग्स की बात रहती है तो मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप उसको सब्सक्राइब करें, पाकिस्तान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से, पाकिस्तान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से यूट्यूब चैनल था, अगर उसको सब्सक्राइब कर लें तो एक तो जो मेरे लेक्चर्स आने वाले दिनों में मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। और कोई भी नए सेशंस आएंगे तो मेरी खुशी होगी, मैं उस पर भी अपलोड कर दिया करूँगा। तो ट्रेनिंग्स कहाँ भी हो रही है वो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। और ट्रेनिंग्स इसके अलावा जो मैंने नंबर दिया है बुक के लिए, बुक जहाँ से पब्लिशर का वहाँ से भी आप ट्रेनिंग्स का अपडेट कर सकते हैं। और मेरे से अगर किसी ने बात करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, तो वो भी यही इसी नंबर से आपको अपॉइंटमेंट भी मिल सकती है। आपकी गुफ्तगू इस कदर क्लियर थी कि हर सवाल का जवाब उसके अंदर पहले ही मौजूद था। तो अब मैं डॉक्टर साहब इजाज़ साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपने कीमती वक्त दिया और हमें बहुत सी रहनुमाई दी जो कि हमारे लिए मुफीद हो सकती है। हजरात ख़वातीन हजरात, आपको भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ में फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।